SBI में एक बार पैसा जमा करने पर होगी हर महीने फिक्स्ड कमाई। क्या है ये फैसिलिटी और कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। आज की वीडियो में हम SBI की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है SBI एनुअली डिपॉजिट स्कीम। जी हां, इस स्कीम में एक बार पैसा जमा करने पर हमें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा। तो एक एक करके जानते हैं इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये SBI एनुअली डिपॉजिट स्कीम क्या है। तो ये स्कीम में हमें कोई भी एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और उसके बदले में हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरीके से हम बैंक से लोन लेते हैं और उसके बदले में हमें हर महीने एक फिक्स्ड EMI देनी होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें उल्टा होता है। इसमें बैंक हमसे एक ही बार में पैसा ले लेता है और EMI की तरह हमें मंथली पैसे देता रहता है। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि इसमें मिलने वाला फिक्स्ड अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना होता है। तो हमें जो इंटरेस्ट SBI के FDs में मिलता है, वही सेम इंटरेस्ट हमें इस स्कीम में भी मिलेगा। इसके अलावा जिस तरीके से सीनियर सिटीजंस को FD में 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, तो एनुटी स्कीम में भी सीनियर सिटीजंस को 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई SBI का स्टाफ है या फिर SBI के पेंशन लेता है, तो उन्हें इस स्कीम में 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। SBI एनुटी प्लान में हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर करके हमें ट्रांसफर किया जाता है। अब हमारा सवाल हो सकता है कि सपोज हमने पैसे अप्रैल में जमा किए हैं, तो हमें पैसे मिलने कब स्टार्ट होंगे? तो इसमें हम जब भी पैसा जमा करेंगे उसके अगले महीने से ही पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने अप्रैल में पैसे जमा किए हैं, तो मई से हमें फिक्स्ड इनकम मिलने लगेगी। तो अब जानते हैं कि हमें कितने पैसे जमा करने पर कितनी मंथली इनकम मिल सकती है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे एनुअली डिपॉजिट कैलकुलेटर से, जो कि इस टाइम पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है डिपॉजिट अमाउंट, जो कि लेट्स से 15 लाख हमने इन्वेस्ट करा है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं 15 लाख। इसके बाद पूछा जा रहा है पे आउट फ्रीक्वेंसी, जो कि मंथली आप चाहते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है पेमेंट पीरियड, जो कि लेट्स से मुझे 5 ईयर्स तक मंथली फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं 5 ईयर्स। इसके बाद पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रेट, जो कि अभी 5.4% है, तो उसको एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कंपाउंडिंग, तो इसको हम क्वार्टरली चूज करेंगे। अब हमने क्लिक किया है कैलकुलेट पर, और कैलकुलेट पर क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि हमें मंथली पेमेंट शो हो रहा है 28,565 रुपीज। अब इसका मतलब ये है कि हमें 5 ईयर्स तक मंथली 28,565 रुपीज लेने के लिए 15 लाख रुपए निवेश करने होंगे। तो आपको जितना भी अमाउंट निवेश करना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इस स्कीम में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है, और इस स्कीम में कोई माइनर भी इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई भी एज लिमिट नहीं है, और साथ में हमें सिंगल या फिर ज्वाइंट कोई भी टाइप का अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। तो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट काफी आसान है। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। SBI एनुअली डिपॉजिट स्कीम का डिपॉजिट पीरियड 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स तक हो सकता है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डिपॉजिट पीरियड को चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें हम मिनिमम मंथली डिपॉजिट 1000 रुपीज तक कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट तय नहीं करी गई है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर हम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो लोन हम अपनी इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 75% अमाउंट ले सकते हैं। लेट्स से कि हमने 10 लाख रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका हम 75% यानी कि 7.5 लाख रुपीज तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में ही एलिजिबल है, और लोन लेने के बाद फर्दर जो मंथली पेमेंट है वो हमारे एनुटी अकाउंट में ट्रांसफर ना होकर सीधा हमारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम में हम अकाउंट SBI की किसी भी ब्रांच से जाकर ओपन करवा सकते हैं, और लेट्स से कि अगर हमने पहले अपना लखनऊ की किसी SBI की ब्रांच में ओपन करवाया है और अब हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम अपना एनुअली अकाउंट दिल्ली के किसी भी SBI ब्रांच में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल के क्या रूल्स हैं।
इस स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल है, लेकिन उसके लिए हमें जितनी पेनल्टी टर्म डिपॉजिट या फिर एफडी पर देनी होती है उतनी ही पेनल्टी हमें यहाँ पर भी देनी होती है। इसके साथ ही साथ अगर इन केस डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो बिना किसी लिमिट के सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब चलिए इस प्लान को SBI की RD और FD से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम RD की बात करें तो इसमें मंथली पेमेंट करना होता है और FD में हमें लमसम पेमेंट करना होता है और एनुअटी प्लान में भी हमें लमसम पेमेंट करना होता है। RD में हमें कॉर्पस मेच्योरिटी पर मिलता है, FD में हमें कॉर्पस यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मेच्योरिटी पर मिलता है। एनुअटी प्लान में हमें मंथली EMI मिलती रहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम FD में इंटरेस्ट अमाउंट क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली भी मिल सकता है, जबकि एनुअटी प्लान में कोई भी मेजॉरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। वैसे तो ये तीनों ही स्कीम्स अपनी अपनी जगह पर काफी बेनिफिशियल हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एनुअटी प्लान को देखें तो अगर हमारे पास एक साथ इतना कैपिटल हो और हम उसके बदले में मंथली इनकम चाहते हैं तो फिर ये एनुअटी प्लान बेस्ट है। ज्यादातर लोग इस प्लान में इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट की बात करते हैं जिससे कि उन्हें पेंशन की तरह मंथली बेसिस पर पैसे मिलते रहें और उनके एक्सपेंसेस जो है वो कवर होते रहें। तो इस वीडियो में हमने जान लिया है कि SBI एनुअटी प्लान क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करवाने की एलिजिबिलिटी क्या है, इस प्लान के एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, इसके बाद हमने इस प्लान को बैंक, FD और RD से भी कंपेयर करके देखा है। तो अगर हम एक ऐसे स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि हमें रेगुलर इनकम दे सके तो SBI की एनुअटी डिपॉजिट स्कीम काफी बेहतर ऑप्शन है। आपको ये स्कीम कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस स्कीम से जुड़े आपके कोई भी क्वेरीज हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।